Rolling and action. हेलो दोस्तों, मैं हूं रिनु शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है फन फूड एंड सिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी क्विक रेसिपी जिसमें आप देखेंगे कि सैंडविच को किस तरह से बच्चों का फेवरेट बनाया जा सकता है। हम बनाने वाले हैं चीज पनीर सैंडविच और बहुत ही जल्दी 2 मिनट्स रेसिपी। आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बना रहे हैं पनीर चीजी सैंडविच, तो उसके लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये अनियन है, टोमेटो है, बीन्स है, पनीर है और चीजी बनाने के लिए थोड़ी सी मोज़रेला। उसके बाद मैं फन फूड का वेज मेयोनेज़ यूज़ कर रही हूँ, किसान टोमेटो केचप यूज़ कर रही हूँ और स्पाइसेस में रेड चिली पाउडर और सॉल्ट। आइए देखते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं हम इसकी स्टफिंग। पनीर स्टफिंग तैयार करने के लिए हम इसमें कढ़ाई गर्म करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑयल। एक बार ऑयल गरम हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस। आप देख रहे हैं हमारी कढ़ाई ऑलरेडी गरम थी, तो हमारा जो ऑयल है वो सिर्फ हाफ मिनट में गरम होने वाला है। चलिए ऐड करते हैं इसमें। फ्लेम मैं लो कर रही हूँ प्याज डालने के लिए, वरना वो ऊपर आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको फ्लेम को स्लो कर रही हूँ और ऐड कर रही हूँ अनियन। फ्लेम को मीडियम कर रही हूँ। बहुत ज्यादा कलर हमें इसका चेंज नहीं होने देना है। फिर गोल्डन करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बीन्स, फाइनली चॉप्ड बीन्स डालेंगे इसमें। ये हमारे गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर, क्योंकि फाइनली चॉप्ड था इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन बीन्स। इसको 3 से 4 मिनट तक भून कर 3 से पकाएंगे और फिर देखेंगे 3 मिनट के बाद। आइए देखते हैं क्या हाल है हमारे वेजिटेबल्स का। अभी ये हाफ कुक हुआ है, हमें इसे और 3 मिनट के लिए कुक करना होगा, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने स्पाइसेस। सिर्फ सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ही ऐड किया मैंने, आप चाहें तो टर्मरिक पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। इसे कवर कर देते हैं 3 मिनट्स के बाद, फिर देखते हैं इसको। ये हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने एक टमाटर को फाइनली चॉप किया है। मैं इसको फिर से 2 मिनट के लिए कवर करूंगी। आफ्टर 2 मिनट्स अब हम इसको थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाएंगे और इसको भूनेंगे। ये वेजिटेबल हमारी कुक हो गई है, फ्लेम को स्लो करेंगे बिल्कुल। ऐड करेंगे पनीर, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा केचप। उसके बाद मैं ऐड करूंगी थोड़ी मेयोनेस। ये फन फूड का वेज मेयोनेस है, आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं, ये इजीली मिल जाता है मार्केट में। उसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं सैंडविच प्रिपेयर करना। एक स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर अपनी स्टफिंग को स्प्रेड करेंगे। ये देखिए,
बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन अच्छे से उसे कंप्लीट फिल करना है। हो गया। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ मोज़रेला, क्योंकि हमें इसे चीज़ी फ्लेवर देना है। और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स फॉर द स्पाइस। स्लाइस को कवर करेंगे दूसरे स्लाइस से और इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी स्प्रेड करेंगे और इसे ग्रिल करेंगे। सैंडविच ग्रिल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपना सैंडविच ग्रिलर। इसको ऑन करके मैं इसके सेंटर में अपना स्लाइस रखने वाली हूँ और उसको बंद करने वाली हूँ। इसको दिखाऊंगी मैं आपको जब इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और ये प्रॉपरली बेक हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं। तो ये रेडी है हमारे सर्विंग प्लेट में। आप इसे अपने क्लोज वंस को खिलाइए और उनसे जरूर पूछिए कि उन्हें कैसे लगी। आइए मैं आपको इसका एक क्लोज लुक दिखाती हूँ कि हमारे सैंडविचेस कितने चीजी और डिलीशियस हैं। है ना मजेदार? बच्चे इसे देखकर बिल्कुल खुश हो जाएंगे कि आपने उनके लिए इतना स्पेशल ब्रेकफास्ट तैयार किया है। तो देखा आपने कि हमने कितनी जल्दी कितनी टेस्टी डिलीशियस रेसिपी चीज पनीर सैंडविच ट्राई की। आई होप आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी एंड बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। मुझे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने ये रेसिपी ट्राई की और अगर की तो आपको पसंद आई। मैं और भी बहुत सारे आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी। स्टे विद मी। गुड बाय।